जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर अशरफ, आप देख रहे हो अहमद फैमिली टीवी अपना। ये हमने एक वीडियो जो है शूट की थी कुछ दिन पहले, उस पर हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो। हमने क्या किया था, एक तवा ले लिया था, दिस इज़ कॉल्ड तवा। ये लोहे का तवा है, ये पीतल का तवा नहीं है, ठीक है। ये वो बर्तन है जिसमें वो दाल पड़ी हुई थी और ये यहाँ पर आ गई है। अब ये एक रोटी जो है वो हम तैयार कर रहे थे और इस रोटी का नाम है चपाती। ये आटे की यानी कि गंदम के आटे की बनती है। अक्सर लोग रोटी खाते हैं मकई की, अक्सर खाते हैं ज्वार की, अक्सर खाते हैं बाजरे की, अक्सर खाते हैं चावलों के आटे की, लेकिन हम रोटी खाते हैं गंदम के आटे की। और ये हम लोग चपाती जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐड करेंगे इस तवे के ऊपर। तवा गर्म हो चुका है, फ्लेम जल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है उसका भी काफ़ी तबाही हो गई है। और अभी ये रोटी जो है वो ऐड करेंगे तवे के ऊपर। तो बस हम ये ऐड करके फिर आपसे खुदा हाफिज़ करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, दिस इज़ उमर अशरफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम अहमद फैमिली टीवी अपना। बस रोटी हम अभी पका लेते हैं, दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और ये जो रोटी है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गोल माशाल्लाह तैयार हो गई है। जी जनाब, ये रोटी अभी आ जाएगी तवे के ऊपर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दाल हमारी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह और हम इसको अभी फ्लेम को बंद कर लेंगे और ये रोटी अभी मैं सेक बस सेक लूँगा। तो दाल को हम लोग इस बर्तन में ऐड कर देंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल तैयार हो गई है। दाल तो पहले से तैयार थी, सिर्फ मैंने रोटी का मामला किया है। यार रोटी पराठे में प्लीज़। तो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी और गोल रोटी, थैंक यू बॉस, बहुत शुक्रिया। तो ये आटा हम लोग अंदर रख देंगे। तो थैंक यू, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो वेरी मच इंशाल्लाह। और बड़ी अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, साथ में ये रायता भी है हमारे पास और इस रायते को भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और तो दाल ये लग गई है हूँ, दाल ये लानी पैनी औखी हो गई है, ठीक है। इसमें भी दाल लगी हुई है। तो अभी आपका भाई जो है आपसे इजाज़त चाहने वाला है और खुदा हाफिज़ करने वाला है आपको। तो ये हम लोग थोड़ी सी इसमें चटनी ऐड कर लेंगे, बाकी चटनी हम फ्रिज में रखते हैं। तो जी जनाब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उमर अशरफ को दुआओं में याद रखिएगा। वो कहते हैं कि दुनिया यूं ही आबाद रहेगी मेरे हमदम, दुनिया यूं ही आबाद रहेगी मेरे हमदम। हम नहीं होंगे हम सा कोई होगा, हम नहीं होंगे हम सा कोई होगा। और वो एक शेर है कि ईद ईद करते हो दिन रात, ईद ईद करते हो, ईद का मतलब तुम्हें मालूम है। दिन रात ईद ईद करते हो, ईद का मतलब तुम्हें मालूम है। जहाँ पे मोहब्बत ना हो, जहाँ पे चाहत ना हो, क्या तुम्हें वहाँ पे फूल लाने का मतलब मालूम है। जहाँ पे चाहत ना हो, जहाँ पे मोहब्बत ना हो, वहाँ तुम्हें फूल लाने का मतलब मालूम है। बहुत ईद ईद करते हो, ईद का मतलब तुम्हें मालूम है। सिर्फ सवैयाँ खाने का नाम ईद नहीं, ना मस्जिद जाके दो नफल पढ़ने का नाम ईद है। ईद तो है किसी से गले मिलना और मिल के फिर बहुत देर तक मिलना। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। उमर अशरफ को इजाज़त दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में
दोबारा से पेश होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।